हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। वो तो जैसा कि हमारी क्लास बीएससी फिफ्थ सेम के लिए हमारे ऑर्गेनिक के लेक्चर चल रहे हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वो तो अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी। वो तो उसी सीरीज में हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर है, कैसे एसिड क्लोराइड जब ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और हमें देगा टर्शरी एल्कोहल। बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों टॉपिक है हमारा रिएक्शन है एसिड क्लोराइड की विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो बच्चों यहां पर हम पढ़ेंगे कैसे एसिड क्लोराइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ। और बच्चों वही वादा आपसे, आधी रिएक्शन करेंगे आधी आप अपने आप करोगे। देखिए बच्चों, एसिड क्लोराइड CH3COCl, मिथाइल इथाइल एसिड क्लोराइड के बच्चों दो कार्बन है CH3C, तो बच्चों इसका नाम होगा हमारा इथाइल एसिड क्लोराइड। आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं यहां पर टर्शरी एल्कोहल की फॉर्मेशन। आइए बच्चों सबसे पहले ले लीजिए हमारा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो बच्चों बताने की कुछ जरूरत है नहीं, सी डबल बॉन्ड वो हमें यहां पर नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। वही बच्चों ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का आपको पता है Mg पॉजिटिव चार्ज, R ग्रुप नेगेटिव चार्ज, हैलाइड ग्रुप नेगेटिव चार्ज। CH3 का टैग बच्चों कार्बन के ऊपर और MgBr का टैग बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर। आइए बच्चों करा देते हैं टैग क्या जाता है। ये देखिए बच्चों CH3 ऐसे कैसे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा Mg और Br जाएगा। चलो जाने दो इसका, तो हमें क्या करना है ना। अब बच्चों CH3 होगा यहां पे, ये CH3 बच्चों जाएगा कार्बन के पास। चलो लेके चलते हैं कार्बन के पास, क्या करेगा कार्बन इसका, ये लीजिए बच्चों। और क्या बचता है Cl बचता है, ये लीजिए Cl को। अब बच्चों यहां पर एक चीज दोबारा देखिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ऑक्सीजन पहले से दो लोन पेयर कैरी करता है और एक लोन पेयर बच्चों डबल बॉन्ड के कारण आएगा। तो यहां पर बच्चों एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, वो लोन पेयर बच्चों दोबारा किसके पास आएगा डबल बॉन्ड के पास आएगा। और जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा ये सीएल बच्चों यहां से सीएल नेगेटिव की फॉर्म में बच्चों क्या होगा बाहर निकलेगा। तो क्या बनेगा बच्चों यहां से देखिए CH3 ऐसे कैसे बच्चों, ये कार्बन ऐसे कैसे, ये CH3 ऐसे कैसे। अब देखिए बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बच्चों ये क्या निकलेगा MgBr और Cl, MgBrCl। तो बच्चों ये हमारा क्या बन चुका है कीटोन, कौन सा है बच्चों एसीटोन। तो देखिए बच्चों दोबारा एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने का भी मेथड हो चुका, लास्ट वीडियो में किया था कैसे एसिड क्लोराइड से हमने क्या बनाया बच्चों यहां पर कीटोन बनाया। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने किया था कैसे हम एस्टर का यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे थे। अब बच्चों कीटोन से टर्शरी एल्कोहल कैसे बनाओगे, कीटोन से टर्शरी एल्कोहल। लास्ट दो लेक्चर से हम यही चीज बच्चों पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा कीटोन है, कीटोन बच्चों जोड़ दीजिए CH3MgBr। CH3 बच्चों कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, Mg कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, Br करेगा नेगेटिव चार्ज। हर बार बच्चों वही चीज हम कर रहे हैं, वही काम बच्चों यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर लेगा, कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन करेगा पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर किसका अटैक करा दो CH3 का, MgBr का अटैक कहां पे करा दो ऑक्सीजन के ऊपर। चलो करा देते हैं CH3 बच्चों ऐसे कैसे, इस कार्बन पर बच्चों एक CH3 नीचे है तो बच्चों दो CH3 मैंने लगा चुका हूं, बच्चों एक CH3 दोबारा कार्बन पर जाएगा। आ गया सर टर्शरी जैसी आ गई स्ट्रक्चर आ चुकी है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर बच्चों कौन जाएगा Mg और Br जाएगा, ये जा रहा सांप की तरह Mg Br
क्या बच्चों लास्ट तक क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन और वाटर। वाटर का बच्चों पता ही है एच पॉजिटिव देगा और एच नेगेटिव देगा, तो बच्चों इसका एच पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ दे दो। ये लोग तो कार्बन के ऊपर क्या है, तीन CH3 है, ये पहला CH3, ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा ऑक्सीजन है, यहाँ पर बच्चों इसका एक हाइड्रोजन क्या बचा बच्चों यहाँ से OH नेगेटिव बचा, इसके साथ आएगा बच्चों MgBr के साथ MgOHBr, हो गई रिएक्शन बन गया एसिड क्लोराइड से क्या टर्शरी एल्कोहल बन गया। नाम इसको आपको पता ही है, बार बार करा चुका हूँ, यहाँ पे कराने की जरूरत है नहीं, कहते हो तो करा देता हूँ, क्या होगा नाम चलो लिख देते हैं क्या जाता है। चलो बच्चों 1, 2, 3 टू पे कौन आया, मिथाइल आया, ये लो टू मिथाइल, ये एल्काइल ग्रुप था तो मिथाइल बना दिया, तीन कार्बन है प्रो सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे AN, और नंबर दो पर कौन है OH ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखोगे OH लिखोगे। तो ये थी बच्चों हमारी रिएक्शन एसिड क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और हमें क्या मिला बच्चों टर्शरी अल्कोहल मिला। दोबारा करवाऊं तो देखिए CH3COCl हमारा एसिड क्लोराइड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वही कहानी है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन करेगा नेगेटिव चार्ज, वही हमारा CH3Br आएगा, CH3 में नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा बच्चों कार्बन के पास, ये जाके यहाँ पे जाएगा MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के पास क्या था, यहाँ से लिए हुए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ पे आएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बना दो डबल बॉन्ड, ये बना देगा दो CH3 बन जाएंगे, ये रहे MgBrCl निकल जाएगा, ये रहा तो क्या बना बच्चों यहाँ पे एसीटोन, और एसीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के टर्शियरी अल्कोहल हम अपने आप तीन बार कर चुके हैं, तो आगे का स्टेप हमारा वही का वही है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मैंने लास्ट सेक्शन में बताया या नहीं बताया, देखिए बच्चों एसिड क्लोराइड का मैंने यूज किया, उससे बच्चों क्या बनाया कीटोन बना एसीटोन, तो एक कीटोन का मेथ्रो प्रिपरेशन में आ सकता है, सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था एस्टर का, एस्टर में हमने क्या बनाया था एल्डिहाइड भी बनाया कीटोन भी बनाया, तो उसके मेथ्रो प्रिपरेशन हो सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी रिएक्शन एसिड क्लोराइड की RMGS के साथ, आई होप बच्चों ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने दो दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कितने फनी वे में कितने सिंपल तरीके से हम केमिस्ट्री को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर।